हर हर महादेव। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई श्राद्ध करने से क्या लाभ होगा, हमें श्राद्ध करने से क्या मिलेगा, और श्राद्ध नहीं करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। तो देखिए कि श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है तथा श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है, इस पर दृष्टिपात करें, देखें श्राद्ध करने के क्या क्या लाभ हैं। देखिए शास्त्रों में इसकी चर्चा है कि श्राद्ध करने के लाभ। कूर्म पुराण का वचन है कि यो नेन विधना श्राद्धम कुरियात वै शांतमानसः व्यपेत कल्मशो नित्यम याति नावर्तते पुनः। देखिए सबसे बड़ा फल श्राद्ध करने का दे दिया, अनेन विधना या श्राद्धम कुरियात, श्राद्ध की विधि जो बतलाई गई है, इस विधि से जो श्राद्ध करते हैं शांत मानसः, जो शांत मन होकर के, धीर चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के जो श्राद्ध करते हैं, वो व्यपेत कल्मशः, वो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, यात और नित्यम याति, वो नित्यता को प्राप्त हो जाते हैं, न आवर्तते पुनः, जहां से लौट करके फिर नहीं आते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। गीता जी में जो भगवान ने उद्घोषणा की है कि जहां जाकर के फिर कोई जीव नहीं लौटता है, अर्थात मोक्ष धाम जो मेरा परम पद वैकुंठ धाम है, तो वो है जहां जाकर के फिर कभी लौटना नहीं होता है, शाश्वत प्राप्ति हो जाती है, तो उसी धाम के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है श्राद्ध करने से। और लौकिक, तो भाई यहां क्या मिलेगा, यहां लौकिक कोई फल चाहे तो वो देखिएगा यम स्मृति में, गरुड़ पुराण में, श्राद्ध प्रकाश आदि ग्रंथ में कि आयु पुत्रान यश स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नयात पितृपूजनात्। पितृपूजनात् आयु पुत्र धन यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बल श्री और पशु सुख धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है, अर्थात श्राद्ध से भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। यहां ऐहिक और आमुष्मिक, ऐहिक माने इस लोक के समस्त सुखों की तथा आमुष्मिक माने मरने के बाद मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखिए मार्कंडे पुराण का वचन है कि आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। श्राद्ध तर्पिताः पितरः आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति। श्राद्ध से तृप्त हुए पितर लोग आयु प्रजा धन स्वर्ग विद्या तथा मोक्ष आदि सुख की प्राप्ति कराते हैं। इस तरीके से सदा ही श्राद्ध को करना चाहिए। जो यदि कोई चाह रहा है कि हमको इस फल की प्राप्ति हो तो फल की दृष्टि से भी करे। लिखा है उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलौ स्मृतौ, बृहस्पति का वचन है। जो लोग श्राद्ध के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप श्राद्ध करिए, आपके पितरों का श्राद्ध है, आप इस समय श्राद्ध करें, या उनके लिए उपदेश करते हैं कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए, श्राद्ध का विधान बतलाते हैं, उन लोगों को भी उसी फल की प्राप्ति होती है जो श्राद्धकर्ता को होती है। तो इसलिए श्राद्ध के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, श्राद्ध के लिए अग्रसर करना चाहिए। और कोई यदि श्राद्ध कर रहा है तो कहते अरे क्या कर रहे हो, कोई निंदा करता है, अरे ये किस में पड़े हुए, इसे कुछ नहीं होता है, तो उन लोगों को भी इस दौर्भाग्य की प्राप्ति होती है जो श्राद्ध न करने से होता, जो प्रतिफल होता है, जो विफल होता है, वो उस पातक की, उस दोष की प्राप्ति उनको भी होती है जो श्राद्ध में जो विघ्न डालते हैं या श्राद्ध के लिए लोगों को जो गलत भावना प्रेरित करते हैं, श्राद्ध करने से रोकते हैं। जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनकी क्या दशा होती है वो देखिए।
न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुष न च श्रेयोदि गच्छन्ति यत्र श्राद्धम श्राद्धम विवर्जितम। हारित स्मृति का वचन है। न तत्र वीरा जायन्ते, वहां कोई पुत्र नहीं होते हैं, वंश रुक जाता है, यहां श्राद्ध नहीं होता है, वहां वंश रुक जाता है। न आरोग्यम न शतायुष, वहां आरोग्य की प्राप्ति नहीं होती है और उनके वंश में कोई भी शतायु नहीं होता है, 100 वर्ष लंबी आयु वाला नहीं होता, जल्दी जल्दी मरने लगते हैं लोग। और न च श्रेयोधि गच्छन्ति, किसी भी प्रकार का जो श्रेय कीर्ति लाभ आदि यश वो प्राप्त नहीं होता। कहाँ? यत्र श्राद्धम विवर्जितम, जहाँ श्राद्ध विवर्जित कर दिया जाता है। यत्र माने जहाँ, जिस कुल में, जिन लोगों के यहाँ श्राद्ध नहीं होता है उन्हें इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। श्राद्ध में तन्न कुर्बानो नरकम प्रतिपद्यते। और क्या कह दिया कि जो श्राद्ध नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। श्राद्धम एतत् न कुर्वाणः नरकम प्रतिपद्यते, विष्णु स्मृति का वचन है। इसलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म पुराण का वचन है, देखिए कहते हैं श्राद्धम न कुरते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्तिते। जो लोग श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते हैं पितरों का, तो पितर लोग भूखे पितर क्या करते हैं, फिर उस कुल के प्राणियों का रक्त पान करते हैं और उनको परेशान करते हैं। ये ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं, जो स्कंद पुराण में भी लिखा है कि पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च। अगर जो कोई जिसके यहाँ कोई श्राद्ध होना होता है तो पितर लोग आकर के वहां देखते हैं कि ये मुझको श्राद्ध करेगा, मेरा जो है पिंडदान करेगा, मुझको जल पिलाएगा, और वो नहीं करते हैं तो पितर लोग वहां से निराश होकर के चले जाते हैं, शाप दे करके चले जाते हैं। इसलिए अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, जैसे पीछे बतलाया गया है कि श्राद्ध के कितने विकल्प हैं, उनको सुने और उस प्रकार से श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं भैया वेद में लिखा है कहीं श्राद्ध करना, ऐसा लोगों का मंतव्य है। जो भी धर्मी है, जो जो है जो गुमराह करते हैं, ये आर्य समाजी आदि जो गायत्री परिवार वाले और भी बहुत हैं, वो सब वेद बाई ही है, सनातन का नाम लेते हैं और वे जो है असनातन है, न जाने अभी बीच में ही प्रकट हो गए, और वो ऐसे पंथ, ऐसे संप्रदाय, ऐसे लोग, ऐसी जाति, ऐसे आश्रम वाले जो श्राद्ध का जो खंडन करते हैं वो वेद बाई हैं, उनकी सुनने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बतलाने के लिए आप बतला सकते हैं कि तैतरीय उपनिषद में लिखा हुआ है श्राद्ध करने का विधान, कि कभी भी जो है देव कार्य से और पितृ कार्य से जो है मुकरे नहीं, देव कार्य में और पितृ कार्य में कभी भी किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं होना चाहिए। देखिए वचन, देव पितृ कार्य अभ्याम न प्रमदितव्यम। तैतरीय उपनिषद के 1.11.1 में आप देख सकते हैं क्या, देव और पितृ कार्य से कभी भी जो है प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव कार्य क्या है, संध्या स्नान जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथा तिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने, ये बल वैश्वदेव और ब्रह्म यज्ञ इत्यादि, ये सब देव कर्म के अंतर्गत आएंगे, पंच महायज्ञ। और पितृकर्म के अंतर्गत आएगा तर्पण और श्राद्ध, तर्पण श्राद्धादि। तो इन कर्मों से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपने करणीय कर्तव्य का सदा पालन करना चाहिए, ये जो है बतलाया गया है। तो श्राद्ध मुख्य रूप से पिंड दानात्मक ही होता है, तो जो लोग पिंड दानात्मक नहीं कर सकते हैं तो वे लोग आमान्य दानात्मक करें, माने जो है ब्राह्मण भोजनात्मक करें, ब्राह्मण का भोजन करवा दें। जो ब्राह्मण भोजन भी नहीं करा सकते हैं तो वे लोग जो है कच्चा अन्न दे करके करें, नहीं कर सकते तो गाय को खिला करके करें, या फिर जो है द्रव्य दानात्मक करें, और नहीं है तो केवल जो है पितरों से केवल प्रार्थना करें, करुण क्रंदन करें, तो भी श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। हर हर महादेव।